अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलि खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक सीड्स को सिलेक्ट की है, एक हर्बल सीड्स हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बही दाना के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों बही दाना भी, इसके अलावा बी दाना भी बोल दिया जाता है, इसके अलावा तुख में सफरजल भी बोला जाता है। और दोस्तों बेसिकली एक फल सफरजल के बीज होते हैं, देखने के अंदर बिल्कुल सेब की तरह के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और दोस्तों बही दाना के बीज के भी फायदे हैं और फ्रूट्स के भी फायदे हैं। और दोस्तों क्विंस फ्रूट यानी सफरजल फ्रूट के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल लूंगा। बही दाना के फल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों बही दाना को इंग्लिश, पर्शियन, चाइनीज, देसी हर्बल अद्वियात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मजाज के अंदर ये सरतर है और दोस्तों फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। और दोस्तों इसका सफो बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे कूट कर भी यूज़ किया जाता है, इसे भिगो कर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बही दाने से बहुत सारी जो मजूने बनाई जाती हैं, कुछ तजात में यूज़ किया जाता है, इसे मुख्तलिफ जो है कम्बिनेशन हर्ब्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे बुखारों के अंदर भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों जिसमें इसे हर किस्म की सोजिश को, गिल्टी को, ट्यूमर को ख़त्म करते हैं, कैंसर के फर्स्ट स्टेज को जड़ से ख़त्म करते हैं। और दोस्तों जिस्म की हरारत को जायल करता है, जिस्म को ठंडक देता है, पेशाब की जलन को दूर करता है। और दोस्तों सजाक की बीमारी के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों खुश्क खांसी को दूर करता है। और दोस्तों मैदे की तदाबियत को ये दूर करता है। दोस्तों इसे मुनासिब मकदार में मुसलसल इस्तेमाल करने से पेट के अंदर जो है जख्म होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जिसे अल्सर बोला जाता है। आंतों के भी जख्म को ये दूर करता है। दोस्तों बहुत सारी जो है स्किन एलर्जीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये एलर्जी को दूर करता है, कुव्वत मुदाफ़े में इजाफा करता है। और दोस्तों औरतों की जिंसी अमराज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, रहम के इन्फेक्शन को दूर करता है, लेकोरिया का इलाज करता है। दोस्तों इसी तरह मर्दाना जिनसे बीमारियों के लिए भी मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इससे इस्तेमाल जरियान, सुरत अंजाल, जुकाफ्त हिस्का इलाज किया जाता है। मर्दाना बांझपन को यह दूर करता है, दिमाग को ताकत देता है। और दोस्तों दिमाग को ताकत देने के हवाले से जो हुक्मा मजून बनाते हैं उसके अंदर इसे लाजमी शामिल किया जाता है। और दोस्तों क्यून्स फ्रूट सीड्स यानी बही दाना आपको आसानी के साथ हर छोटे मोटे पेंसारी शॉप से मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप इसे हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो क्यून्स फ्रूट को खाने के बाद इसमें से जो बीज निकलते हैं आप इसे महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे क्यून्स फ्रूट सीड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों एक दिन के अंदर इसके जो मुनासिब खुराक है 5 ग्राम तक है। इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मतली हो सकती है, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है और एक्सट्रीम यूज़ करने से आंतों के अंदर सोजिश हो सकती है। दोस्तों बही दाना के सफोफ को आप 5 ग्राम तक नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो आपको इसके तमाम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप इसे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे पानी के अंदर सोक करके आप ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बही दाना यानी तुख्मे सफरजल, दोस्तों क्यून्स फ्रूट सीड्स के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है क्यून्स फ्रूट सीड्स के हवाले से तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूर कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मजीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं किसी भी, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूर कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी मालूमती वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।